स्वागत है आपका टुडे करंट अफेयर्स में। शुरू करते हैं आज का प्रश्न। आदि महोत्सव 2024 का प्राथमिक उद्देश्य क्या है? ए आधुनिक तकनीकी प्रगति पर ध्यान केंद्रित करना, बी अंतर्राष्ट्रीय व्यंजनों का जश्न मनाना, सी शहरी कला और संस्कृति को बढ़ावा देना, डी भारत की जनजातीय विरासत की समृद्ध विविधता को प्रदर्शित करना। आंसर डी भारत की जनजातीय विरासत की समृद्ध विविधता को प्रदर्शित करना। एक्सप्लेनेशन आदि महोत्सव 2024 एक वार्षिक राष्ट्रीय जनजातीय महोत्सव अपने जीवंत और सांस्कृतिक रूप से समृद्ध उत्सव को प्रदर्शित करने के लिए पूरी तरह तैयार है। ये 10 से 18 फरवरी 2024 तक मेजर ध्यानचंद नेशनल स्टेडियम नई दिल्ली में आयोजित की जा रही है। आदि महोत्सव 2024 का प्राथमिक उद्देश्य भारत की जनजातीय विरासत की समृद्ध विविधता को प्रदर्शित करना है। अगला प्रश्न, कौन भारतीय प्रधानमंत्री, उप प्रधानमंत्री, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री और केंद्रीय गृह मामलों और वित्त मंत्री के रूप में भी कार्य कर चुके हैं? ए नरेंद्र मोदी, बी चौधरी चरण सिंह, सी डॉक्टर एमएस स्वामीनाथन, डी पीवी नरसिम्हा राव। आंसर बी चौधरी चरण सिंह। एक्सप्लेनेशन चौधरी चरण सिंह भारत के तीसरे उप प्रधानमंत्री और पांचवें प्रधानमंत्री थे। वे उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री और केंद्रीय गृह और वित्त मंत्री जैसे पदों पर भी कार्यरत रहे। हाल में उन्हें मरणोपरांत भारत रत्न से सम्मानित करने की घोषणा की गई है। अगला प्रश्न, हाल ही में विद्यांजलि स्कॉलरशिप प्रोग्राम किसने लॉन्च किया? ए स्मृति ईरानी, बी चौधरी चरण सिंह, सी धर्मेंद्र प्रधान, डी पीयूष गोयल। आंसर सी धर्मेंद्र प्रधान। एक्सप्लेनेशन शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने हाल ही में एचसीएल विद्यांजलि स्कॉलरशिप प्रोग्राम लॉन्च किया। इस प्रोग्राम के तहत नवोदय विद्यालय के उन छात्रों को मदद मिलेगी जो गरीब परिवार से आते हैं तथा जिन्होंने आईआईटी तथा एनआईटी संस्थानों में दाखिला पाने में सफल हुए हैं। पहली बार में इस छात्रवृत्ति के तहत जवाहर नवोदय स्कूलों के 70 छात्र छात्राओं को 5 करोड़ रुपए दिए गए हैं। विद्यांजलि स्कॉलरशिप प्रोग्राम राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के अनुरूप है। अगला प्रश्न, किस प्रधानमंत्री को अपने कार्यकाल के दौरान भारतीय अर्थव्यवस्था को खोलने का श्रेय दिया जाता है? ए पीवी नरसिम्हा राव, बी इंद्र कुमार गुजराल, सी मनमोहन सिंह, डी चौधरी चरण सिंह। आंसर ए पीवी नरसिम्हा राव। एक्सप्लेनेशन पीवी नरसिम्हा राव प्रधानमंत्री को अपने कार्यकाल के दौरान भारतीय अर्थव्यवस्था को खोलने का श्रेय दिया जाता है। उन्हीं के शासनकाल में भारत की अर्थव्यवस्था में महत्वपूर्ण नीतिगत सुधार हुआ था। सुधारों के इस नए मॉडल को सामान्यतः उदारीकरण, निजीकरण और वैश्वीकरण मॉडल LPG मॉडल के रूप में जाना जाता है। हाल में पीवी नरसिम्हा राव को मरणोपरांत भारत रत्न से सम्मानित किए जाने की घोषणा की गई है। अगला प्रश्न, चेन्नई सुपर किंग्स ने ऑफिशियल स्पॉन्सर के तौर पर किसके साथ समझौता किया है? ए एतिहाद एयरवेज, बी सैमसंग, सी टाटा ग्रुप, डी कतर एयरवेज। आंसर ए एतिहाद एयरवेज। एक्सप्लेनेशन चेन्नई सुपर किंग्स CSK ने IPL 2024 से पहले ऑफिशियल स्पॉन्सर के तौर पर एतिहाद एयरवेज के साथ समझौता किया है। CSK के आयोजनों, प्लेटफार्मों सहित खिलाड़ियों की जर्सी पर एतिहाद लोगो प्रदर्शित होगा।